इस भावार्थ में यह कहना है पक्षियों का, पिंजरे में बंद पक्षी है कहते हैं कि हमारी यह इच्छा है कि हम उड़ते उड़ते आकाश की सीमा को छू लें और हमारी लाल किरण की चोट से अनार दानों के रूप में तारों आकाश के तारों को चुग लें। ठीक है, तो इधर अर्थ है कि पिंजरे में बंद पक्षी चाहते हैं कि वे ऐसा उड़े कि वह आसमान की सीमा को ही छू लें, जहाँ तक आसमान ख़त्म होता है, और अपनी लाल सी चोंच से अनार के जैसे जो तारे होते हैं उनको खाने का उनका मन है। नेक्स्ट है, होती सीमाहीन क्षितिज। तो यहाँ पे क्वेश्चन है अपना, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सासों की डोरी। तो इधर कहना है कि इन पंक्तियों में पक्षियों का यह कहना है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंख में ऐसी होड़ लग जाती है कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज, जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, को पाल जाते हैं, या तो अपने प्राण गंवा देते हैं। तो इधर इन पंक्तियों में क्या अर्थ है कि पक्षियों का यह कहना है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते छूते उनको वहाँ जाना है क्षितिज पे, जहाँ पे आसमान और धरती का मिलन होता है, उस जगह पे उनको जाना है, और या तो वे होड़ लगते हुए पंखों में या तो वे चले जाते हैं या तो वे अपने प्राण गंवा देते हैं। ठीक है, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अर्थ है कि पक्षियों का यह इच्छा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला न दो टहनी का, आश्रय भी न दो। तो यहाँ पे कह रहे हैं आश्रय यानी सहारा। तो यहाँ पे कहा है पक्षियों की यह इच्छा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला न दो, टहनी का आश्रय भी ना दो, लेकिन अगर ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में बाधा न डालो, हमें स्वतंत्रता से उड़ने दो। ठीक है, अब विशेष देखते हैं। कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी का ये कविता सरल व सहज है। कवि ने कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के जीवन में क्या महत्व है यह समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार देखिए। हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है, इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं, उनकी इच्छाओं सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाती है, अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति के स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए, उन्हें वही प्रसन्नता मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। तो इधर अर्थ है कि हमारे दृष्टिकोण से, हमारे देखने से ये हमें लगता है कि पक्षियों को पालना उचित नहीं है, पक्षियों को पालना सही नहीं है, इससे हम उनकी स्वतंत्रता को छीन लेते हैं, उनकी इच्छाओं सपनों तथा अरमानों, जैसे उनको उड़ना है, क्षितिज पर मिलन करना है, तो यहाँ पे हम उनकी पाबंदी लगा देते हैं, हम रोक लगा देते हैं, अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। तो अतः पक्षियों का पालना बिल्कुल भी सही नहीं है, उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए, स्वतंत्रता से विचरण, उनके जीवन में क्या करना है उनको ये सब करने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें वहीं प्रसन्नता मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर एक बार एक साथ बोले। हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों का पालना उचित नहीं है, इससे हम उनके आज़ादी को छीन लेते हैं, हम उनके अरमानों सपनों तथा इच्छाओं पर पाबंदी लगा देते हैं, हमें उन्हें स्वच्छंद जीवन
के विचरण, हमें उन्हें स्वतंत्र जीवन के विचरण करने देना चाहिए। इसी में वह प्रसन्न है, उन्हें प्रकृति के स्वतंत्र विचरण करने देना चाहिए, इसी में उनको प्रसन्नता मिलती है। ठीक है, अब है यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरह ये सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ उड़ान में आज़ाद वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरे खाना, पेड़ की ऊँची ऊँची डाली चूलना, कूदना फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने को चुगना और शीतल मिलन करना ही पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। तो इसका अर्थ है कि है ना, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी, हर तरह की खुशी पाकर भी पक्षी अपने पिंजरे में नहीं बंद रहना चाहते, क्योंकि उनको उड़ने की आज़ादी नहीं है, उनके उड़ने पर पाबंदी लग जाती है, उनके उड़ने पर आज़ादी नहीं है, क्योंकि उन्हें तो बहता जल पीना, नदी झरनों का बहता जल पीना, अपनी गति से उड़ान भरना, उड़ते उड़ते क्षितिज मिलन करना, फिर अपन लिख सकते हैं कड़वी निबोरिया खाना, फिर तारक रूपी अनार के दाने चुगना, अलग अलग ऋतुओं में जाकर फल खाना, और क्या हो सकता है, और पेड़ की ऊंची डाली पर कूदना फुदकना और उछलना ही पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में नहीं रहना चाहते। ठीक है, अब यही क्वेश्चन के जो भी पॉइंट्स थे, अपन ने जो भी चीज़ें बोली, ये सब इसी में डाल देना है। पक्षी अनुमत रहकर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, किन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम की पेड़ की कड़वी निबोरा खाना चाहते हैं, पेड़ के सबसे ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं, वे आसमान में ऊंची उड़ान भर के अनार के दाने रूपी तारों को चुगना चाहते हैं, क्षेत्र मिलन करना चाहते हैं। 7 पॉइंट हो गए। सो अपने यही था, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, खत्म अपना चैप्टर। अब आप ये चीज़ें अपने खुद से कर सकते हैं। देखो, नीला नाप कनक, पीली अकट अपने बोरिया, तारा कनार, दाल और रोटी, अन्य जल अनोर जल, ऐसे ऐसे कर करके ये जो मार्क है आई फिल, इसको और की तरह अपन पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अपन बाद में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।